अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और यहाँ पे आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ कि हम सभी लोगों के पास बहुत जल्दी 200 रुपए की नोट जो वो आने वाली है। जी हाँ, आरबीआई की तरफ से खबर आ रही है कि आरबीआई ने जो वो 200 रुपए की नोट यहाँ पे प्रिंट करना जो वो शुरू कर दिया है। ये तीसरी ऐसी नोट होगी डीमोनेटाइजेशन के बाद में, जब हमें पता है कि 500 और 2000 रुपए की नोट थी, उसके बाद काफी जगह पे रूमर्स आ रहे थे कि 2000 रुपए की नोट बंद हो जाएगी, फिर वापस से 1000 रुपए की नोट जो वो आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब जो वो बताया जा रहा है कि 200 रुपए की नोट यहाँ पे जो प्रिंटिंग में जा चुकी है और बहुत जल्दी हमें ये नोट जो वो देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो बड़े आरबीआई के जो मैनेजर से उन्होंने ये कहा है कि ये एक मिसिंग मिडल का काम करेगा। अगर जब भी हम एटीएम में जाते हैं तो हमें पता है कि 100 रुपए के अलावा फिर हमें सीधे 500 रुपए की नोट है और उसके बाद डायरेक्ट 2000 रुपए की नोट है। हालांकि यहाँ पे उन्होंने कहा कि अब एटीएम में जब भी आप जाएंगे तो यहाँ पे आप जो डायरेक्ट 200 रुपए की नोट निकाल सकते हैं, कुछ हद तक का हमें यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन में हेल्प हो जाएगा, कुछ ऐसा उन्होंने कहा है। हम तो उम्मीद करते हैं कि हमें बहुत सारी नोट चाहिए, हमें तो हज़ार भी वापस चाहिए, क्योंकि हज़ार एक ऐसी नोट थी जो मैं आपसे कहता हूँ ना कि वन ऑफ द मोस्ट मिडल मिसिंग मिडल की बात करते तो वो हज़ार की नोट हो सकती है। खैर, उन्होंने वो बंद कर दिया और डायरेक्ट 2000 रुपए की नोट लेके आ गए। तो ये उनका गवर्नमेंट का जो होता है ना टॉप लेवल का चीज होता है, हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन यहां पे अब बताया जा रहा है कि जो 200 रुपए की नोट होगी उसके अंदर कुछ उन्होंने जो वो सिक्योरिटी पैच या कुछ चीजें फिक्स्ड कर रहे हैं, यानी कि जो प्रीवियसली रूमर आ रहे थे कि 2000 रुपए की नोट के अंदर हमें कुछ ऐसे चिप मिल रही थी जबकि वो फेक था, लेकिन यहां पे बताया जा रहा है कि 200 रुपए की नोट के अंदर वो काफी जगहों पे जो वो काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी खबर आ रही है कि कुछ ऐसी चीजें फिट करेंगे जो काउंटरफिट से बचाएगी, यानी कि जो जारी नोट होती है ब्लैक नोट होती है उसके अंदर जो नकली नोट बनती है इस जगहों पे इस नोट से जो हेल्प करेगी, यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसा चिप होगा जो दूसरे जो नकली नोट बनाते हैं उन लोगों को ये चिप के बारे में नहीं पता होगा और यहाँ पे वो इस तरीके की नोट जो वो नहीं बना सकेंगे। अब जब वो बना भी देंगे तो यहाँ पे जब असली नोट होगी उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे लोगों को पता चलेंगे कि हाँ ये इसमें तो ये फीचर है, उसमें तो वो नहीं है, जबकि वो चीज़ वो लोग नहीं बना सकते, सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये अच्छी बात है कि जो नकली नोट बनती है उसको टैकल करने के लिए कुछ अच्छी सिक्योरिटी चीज़ें उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और हमें नहीं पता कि इसमें एक और भी ऐसा फीचर होगा जो हमें पता है कि ये ब्लैक नोट जहाँ भी होते पता चल जाता है। ये सब रूमर्स था यार, व्हाट्सएप पे ज़्यादा ध्यान मत दो। जब दो डिमोनेटाइजेशन हुआ तो काफी जगह पे ये आ रहा था कि 2000 की नोट में ये निकला, 2000 की नोट में वो निकला, लेकिन देखा जाए तो 2000 नोट की भी काफी जगह पे नकली नोट बन चुकी थी। तो क्या हिसाब से डिमोनेशन मोनेटेशन था मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो खैर, जो भी है, यहाँ पे ये जो खबर है ये 100% ट्रू है कि आरबीआई के अंदर जो 200 रुपए की नोट प्रिंट होना शुरू हो चुकी है। शायद से आप लोगों को नहीं पता था तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों को अलर्ट कर दूं और बता दूं कि 200 रुपए की नोट बहुत जल्दी आने वाली, जिसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स भी हो गए तो शायद से जो काउंटरफिट यानी कि जाली नोट भी पकड़ा सकता है और लोग जाली नोट नहीं बना सकते और साथ में जब एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो कुछ तक आपकी यहाँ पे हेल्प हो जाएगी, ताकि 100 की जगह पे 200, बोलते ना एक से भले दो, दो से भले तीन, तो कुछ इस तरीके का काम यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है। हम तो ये वेट करते हैं कि 1000 रुपए की नोट आ जाए, तो हमें पता है कि 1000 रुपए की नोट कितनी हमें यूज होता था। छोड़ो यार, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो बस इतना ही बता रहा था इस वीडियो के अंदर आप लोग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। कुछ ना कुछ ऑफ टॉपिक अगर कुछ चाहिए तो बोलो, बनाना वगैरह कभी वीडियो बना देंगे, क्या करेंगे, कुछ ऑफ टॉपिक के वीडियोस मिलेंगे क्या यार। तो ये आप लोगों को मैं इस चैनल के ऊपर ऐसे ही जो अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्पिन करते रहिए और बोलते रहिए। मैं सच में इसको, मुझे ये नहीं पसंद है, लेकिन जब भी कोई अजीब अजीब फ़ोन आते तो मैं इसको निकालता हूँ और कुछ नहीं। तब तक के लिए बोलते रहिए, थग लाइफ है बाबा, थग लाइफ।